क्या हुआ? दिल टूटा है तो जाओ सैड गाने सुनो, किसी कोने में बैठकर रोते रहो, क्योंकि तुम रोने के अलावा और जानते ही क्या हो, तुम्हारी औकात ही क्या है। अगर औकात होती तो आज यूं कोई छोड़ के नहीं जाता। दिन रात बस सोचते रहो कि मैं गलत हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दिया। तुम दुनियादारी कब सीखोगे? गलत को भी अगर गलत नहीं बोलोगे तो घंटा कुछ उखाड़ पाओगे। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसका रिप्लाई जरूर देना। क्या तुम्हें पता था आज तुम ऐसे हालात में रहोगे, किसी को याद करके रोते रहोगे, अच्छा बुरा अपना सूझबूझ सब खो बैठोगे? बोलो, तुम्हें पता नहीं था ना, आज मैं जिस शख्स के साथ इतना खुश हूँ, कल उसी के चले जाने से मैं रोता रहूंगा। उसके साथ गुजारे वो पल मानो दुनिया की हर खुशी तुम्हें मिल गई हो, और आज उसके चले जाने से तुम्हें पूरी दुनिया झूठी लगती है। आज तुम्हारे इस हालात का जिम्मेदार कौन है? किसी से बात करने का मन नहीं करता, पढ़ाई करियर काम किसी चीज में मन नहीं लगता, अकेले रहने का मन करता है, क्यों? उसी एक शख्स की वजह से ना, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, नालायक निकम्मा समझकर जिसने तुम्हें छोड़ दिया, और आज तुम उसी के लिए रो रहे हो, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तो आखिरकार तुम उसी को तो सही साबित कर रहे हो। उसे पता था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए तो वक्त रहते छोड़ दिया तुमको तुम्हारे इस हालात में। और आज तुम क्या कर रहे हो? छोड़ के जाने वालों के पास वजह की कमी नहीं होती है, उसी टाइम तो उन्हें मजबूरियां दिखती है, तो करियर बनाना होता है, तो घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन इसी टाइम जो खुद को संभाल लेता है उसकी जिंदगी बन जाती है, और जो खुद को नहीं संभाल पाते उसकी लग जाती है। जिंदगी में किसी के पास जाने से पहले अपनी वैल्यू जरूर बढ़ा लेना। जब यहाँ अपने ही हैसियत देखकर बात करने लगे हैं तो गैरों पर क्या भरोसा करना। अगर दुनिया में सच्चा प्यार है तो वो सिर्फ माँ बाप ही करते हैं। लेकिन सोचो, अपने बच्चे को अपनी जिंदगी मानने वाले उन माँ बाप को जब पता चलेगा कि उनका बेटा या बेटी किसी और को अपनी जिंदगी मान बैठा है, अपनी दुनिया मान बैठा है, तो उन पर क्या गुजरेगी? किसी दूसरे को अपनी जिंदगी मानने वाले शायद ही कभी अपने माँ बाप की तकलीफों को जानने की कोशिश की होगी। आज तुम्हारे पास दो चॉइस है, जिसने तुम्हें ठुकरा दिया उसको याद करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो, या फिर इतना तरक्की कर जाओ कि ठुकराने वाला खुद अफसोस करने लगे। चॉइस आपके हाथ में है। अपने इस दर्द को ही अपना ताकत बनाओ। खुद को हर पल याद दिलाते रहो कि तेरा बुरा वक्त देखकर किसी ने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब जिंदगी में ऐसा कुछ बड़ा करेंगे कि लोग मिलने के लिए भी तरसेंगे। बहुत हो गया मेरे साथ नाइंसाफी, जितना लोगों के बारे में अच्छा सोचा उतना ही लोगों ने मुझे गिरा हुआ समझा। लेकिन अब ये जिंदगी खुद के लिए जीनी है, कुछ ऐसा उखाड़ना है कि लोगों के होश उड़ जाएंगे। जो गलती किए हो उसे भले भूल जाओ, लेकिन गलती से मिली सीख को मत भूलो। एक बार धोखा खाया हुआ इंसान अगर दोबारा वही गलती करता है तो उसे बेवकूफ कहते हैं। मानो या ना मानो, अमीरों को कोई रिजेक्ट नहीं करता और गरीबों से कोई प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें किसी से कोई बदला लेने को नहीं कह रहा, बस मैं इतना चाहता हूँ कल चलकर जब तुम उससे मिलो तो आपसे नजर तक मिलाने की हिम्मत ना हो उसकी। बहुत कम लोगों को नसीब होता है ऐसा दर्द, क्योंकि इस समय जो ताकत तुम्हारे अंदर होती है उससे तुम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। इसलिए सोच लो कि अब क्या करना है और लग जाओ उसे हासिल करने में। ये दुनिया मतलबी हो गई है, आज जो भी तुम्हारे साथ है किसी न किसी मतलब से है। जब तक काम में आओगे तब तक पूछे जाओगे, एक बार काम निकल गया तो फिर भाड़ में जाओगे। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? अगर कोई तुम्हें मैसेज करे, कॉल करे या कोई काम करने के लिए बोले तो तुम उसे मना नहीं कर पाते हो, खुद का काम बाद में उसका काम पहले करते हो। इस दुनिया में भले लोगों को बेवकूफ समझा जाता है, उन्हें सिर्फ अपना काम निकालने के लिए यूज किया जाता है। इस दुनिया में छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे तुम उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, उसके गलतियों को माफ कर लो, हर टाइम उसके लिए अवेलेबल रहो, उसे स्पेशल फील कराओ, उसके लिए लॉयल रहो, लेकिन अगर तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, तो तुम्हारा अपना कोई नहीं है। आजकल रिश्ते मतलब के हो गए हैं, इसलिए पहले अपनी औकात बढ़ाओ, अपनी हैसियत ऊंची करो, ठुकराने वाले को बताओ कि तुम क्या चीज हो, क्या कर सकते हो। आखिर मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि खुद से सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं करने हैं, उन्हें करके भी दिखाने हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बी मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।